जी, ये जो रिक्वायरमेंट है ईस्ट अफ्रीका कन्या, ठीक है, ईस्ट अफ्रीका कन्या का काम है, और इसके बारे में जो भी डिटेल हम बता देते हैं, इसमें आल टाइप पासपोर्ट चलेगा, ECR ECNR दोनों, ठीक है, ECR ECNR दोनों पासपोर्ट चलेगा, और इसमें जो कैटेगरी है वेल्डर रीगर पाइप फिटर, वेल्डर में 2G 3G 4G 5G 6G आर्म मिग सब चलेगा, ठीक है, और इम्प्लॉयमेंट वीजा है, 8 घंटे का ड्यूटी का सैलरी है प्लस OT है, ठीक है, फ्रेशर रिटर्नर सब चलेगा, लेकिन CV एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सही होना चाहिए, ठीक है, 1 PDF फाइल में डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और ईस्ट अफ्रीका ये कन्या का काम है पहले हम बता देते हैं, और 1 साल प्लस 1 साल का वीजा लगता है उधर का, जो भी गए होंगे उनको मालूम होगा। ठीक है, और जो लोग भी हैं आप लोग देख लीजिए, आल वेल्डर आल रिगर पाइप फिटर, ठीक है, आल वेल्डर पाइप फिटर ये सब चाहिए, और इसमें आपका CV होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, वेल्डर है तो रनिंग कार्ड, ठीक है, बढ़िया से प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये नहीं है कि फ्रेशर है तब इंडिया का भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ना हो, कम से कम इंडिया का भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है, इंडिया का भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है, इंडियन मनी 25,000 सैलरी है, और इसमें फूड फ्री है, बढ़िया काम है, वेल्डर रीगर पाइप फिटर जो लोग भी फ्रेशर हैं उन लोग के लिए अच्छा मौका है, और जो लोग भी थोड़ा सा देख रहे हैं भाई वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को भाई शेयर कर दीजिए, और एम्प्लॉयमेंट वीजा है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वीजा है, और जो लोग भी हैं जल्द से जल्द आइए, कल परसों में आ जाइए, और इसमें आप लोगों का सिलेक्शन 10 से 15 दिन में मिलेगा सिलेक्शन, ठीक है, 10 से 15 दिन में सिलेक्शन मिलेगा, उसके बाद वीजा प्रोसेस में जाएगा, ठीक है, बैकआउट वाला सिस्टम नहीं रहना चाहिए, जिसका सिलेक्शन होगा उसको आगे प्रोसेस कराया जाएगा, जिसका नहीं होगा भाई उसका डॉक्यूमेंट रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन 10 से 15 दिन टाइम आपको देना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, लेकिन जल्द से जल्द आइए, क्योंकि वैकेंसी भाई देखिए फुल हो जाता है और फिर लोग आते हैं और परेशानी होता है, ठीक है, और ऑफिस एड्रेस सबको मालूम है और अभी डाल भी दिया जाएगा, देख लीजिए DER केमिकल चौराहा सनोली रोड गोरखनाथ गोरखपुर ऑफिस है, DER केमिकल चौराहा सनोली रोड गोरखनाथ गोरखपुर ऑफिस है, ठीक है, और आप लोग जो लोग भी हैं भाई थोड़ा सा वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिए, जो लोग भी हैं वीडियो आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ठीक है, इसमें रिटर्न फ्रेशर सब चलेगा भाई, कॉल कर लीजिए सुनील कुमार भाई, सर्विस चार्ज के लिए कॉल कर लीजिए, और बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, करीब इसमें 150 लोग चाहिए, वेल्डर 50 चाहिए, रिगर 50 चाहिए, पाइप फिटर 50 चाहिए, और इसमें CV आपका भाई परफेक्ट बनाकर लाना है, ये नहीं है कि भाई कुछ नहीं लेके आए ना CV लेके आए ना कुछ, और भाई हमारा लगा दीजिए, ठीक है, CV होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक कॉपी होना चाहिए, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, ठीक है, ये सब होना चाहिए, ठीक है, ठीक है,
देख लीजिए भाई, ऑफिस चार्ज के लिए भाई फोन कर लीजिए भाई, सिर्फ आप लोग को। ठीक है, लेकिन भाई सिलेक्शन के लिए 10 से 15 दिन टाइम देना पड़ेगा, ओरिजिनल पासपोर्ट और सीवी के साथ भाई ऑफिस में मिलिए। ठीक है, एक बार नहीं 10 बार बताया जा रहा है, और 30 तारीख से पहले पहले ऑफिस में मिलिए आकर। ठीक है, क्योंकि भाई फुल हो जा रहा है रिक्वायरमेंट, फिर आप लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो लोग भी भाई देख रहे हैं शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक, और ये जो काम है बहुत ही अर्जेंट काम है, लेकिन 10 से 15 दिन आपको सिलेक्शन के लिए देना पड़ेगा। जिसका सीवी भाई सही रहेगा उसका तो हो जाएगा काम। ठीक है, सीवी सही इसीलिए बोला जाता है कि भाई 1 PDF फाइल में डॉक्यूमेंट लेके आइए। ठीक है, 1 PDF फाइल में डॉक्यूमेंट लेके आइए कि हम लोग को भी कराने में कोई परेशानी ना हो, और आपसे भी बार बार ना मांगा जाए, कॉल करके बार बार मांगना पड़ता है ये डॉक्यूमेंट भेजिए वो भेजिए, तो ना आपको परेशानी ना हो ना हमको परेशानी हो। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग, और जो लोग भी हैं वेल्डर रिगर पाइप फिटर फ्रेशर रिटर्नर, ठीक है, उनके लिए बढ़िया मौका है जाने के लिए, लेकिन 10 से 15 दिन भाई सिलेक्शन का टाइम देना पड़ेगा। नहीं भाई, एसी टेक्नीशियन फ्रेशर का भी नहीं है। ठीक है, फिर से आप लोग देख लीजिए, DER केमिकल चौराहा सनोरी रोड गोरखनाथ गोरखपुर। ठीक है, DER केमिकल चौराहा सनोरी रोड गोरखनाथ गोरखपुर, 3 ट्रेड है, वेल्डर आल टाइप वेल्डर रिगर पाइप फिटर। ठीक है, तो ऐसा जो भाई भी देख रहे हैं वीडियो को थोड़ा सा अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए आप लोग कि और लोगों के पास चला जाए, और भाई 10 से 15 दिन टाइम देना पड़ेगा। ECR पासपोर्ट सब चलेगा, फ्रेशर रिटर्नर सब चलेगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, फिर से ऑफिस एड्रेस दिखा देता है, DER केमिकल चौराहा सोनोली रोड गोरखनाथ गोरखपुर, DER केमिकल चौराहा सोनोली रोड गोरखनाथ गोरखपुर। ठीक है, रिटर्नर फ्रेशर सब चलेगा। तो देख लीजिए आप लोग, जो लोग भी वेल्डर हैं रिगर हैं पाइप फिटर हैं उन लोगों के लिए अच्छा है, और थोड़ा सा जो लोग भी हैं भाई वीडियो थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, और लोग जो लोग भी हैं भाई वीडियो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए कि और लोगों तक जा सके। ठीक है, 90 लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, और जो लोग भी हैं भाई अरबाज पठान भाई अपना डॉक्यूमेंट भेज दीजिए एक बार फिर से। ठीक है, वीडियो के साथ एक बार फिर से डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। जो लोग भी हैं बुलडोजर ऑपरेटर लोडर ऑपरेटर JCB ऑपरेटर एक्सकेवेटर ऑपरेटर हैवी ड्राइवर सऊदी के लिए, ठीक है, सऊदी के लिए देखिए 900 प्लस 200 प्लस फ्री फूड, ठीक है, प्लस OT है। लोडर ऑपरेटर का 100 चाहिए, 700 प्लस 200 प्लस फ्री फूड। JCB ऑपरेटर भी 700 प्लस 200 प्लस फ्री फूड, एक्सकेवेटर ऑपरेटर का भी है 800 प्लस 200 प्लस फ्री फूड, हैवी ड्राइवर का 700 प्लस 200 प्लस फ्री फूड। ठीक है, महीने में टोटल आपका सैलरी है बेसिक और अदर अलाउंस मिलाकर बुलडोजर ऑपरेटर का 1100, लोडर ऑपरेटर का 900, JCB ऑपरेटर का 900, एक्सकेवेटर ऑपरेटर का 1000 प्लस फूड, हैवी ड्राइवर का 900 प्लस फ्री फूड। ठीक है, तो जो लोग भी हैं वीडियो के साथ ऑफिस में मिलिए, वीडियो होना चाहिए गाड़ी चलाते हुए, फ्रेशर इंडियन लाइसेंस चाहिए। ठीक है,
एड्रेस दिया गया है, DR केमिकल चौराहा समरी रोड गोरखनाथ गोरखपुर, मोबाइल नंबर भी दिया गया है। भाई कॉल मत कीजिए ज़्यादा, जो लोग भी जाने के लिए एग्री हैं वीडियो के साथ अपना डॉक्यूमेंट के साथ ऑफिस में मिलिएगा, ठीक है। और इसमें 3 से 4 घंटा ओवर टाइम कंपलसरी रहेगा, डेली ओवर टाइम मिलेगा, ठीक है। कंपनी के काम के ऊपर है, लेकिन कंपनी बोला हुआ है 8 घंटे के बाद डेली। तो आप लोग देख लीजिए, बुलडोजर ऑपरेटर, लोडर ऑपरेटर, JCB ऑपरेटर, एक्सकवेटर ऑपरेटर, हैवी ड्राइवर, ठीक है। ये ऑपरेटर लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, और कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अलहरबी कंपनी दम्माम के लिए सऊदी अरबिया, ठीक है। जो लोग भी फ्रेशर हैं, बढ़िया सैलरी है, कोई ख़राब सैलरी नहीं है। जो भी जानते हैं, बड़ा कंपनी ज़्यादा सैलरी नहीं रहता है, उसमें ओवर टाइम ज़्यादा रहता है, ठीक है। फैकल्टी ज़्यादा देती है, रहने का ये सब खाने पीने का बढ़िया देती है। मेस का खाना फ्री फूड दे रहा है, जब फ्री फूड दे रहा है तो ओवर टाइम लाजमी है कि आपको अधिक से अधिक मिलेगा, ठीक है। तो जो लोग भी हैं देख लीजिए, बहुत लोग फ्रेशर लोग हैं जो नहीं जा पा रहे हैं, लाइसेंस बन जाएगा आपका, कहीं भी फिर उसके बाद जा सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सैलरी कम नहीं है, मोसासा का 1200-1500 आ जाता है तो लोग खुश हो जाते हैं। जो खाना अपने हाथ से बनाएंगे वो फ्री फूड मिल जा रहा है आपको, टाइम बच जा रहा है। तो देख लीजिए, जो लोग हैं लोडर ऑपरेटर, बुलडोजर ऑपरेटर, JCB ऑपरेटर, एक्सकवेटर ऑपरेटर, हैवी ड्राइवर, ठीक है, बहुत फ्रेशर लोग हैं, वीडियो बनाइए गाड़ी चलाते हुए बढ़िया से, अपना नाम पासपोर्ट नंबर बोलकर वीडियो बनाइए, और डायरेक्ट वीडियो और अपना डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर ऑफिस पे आइए, ठीक है। इसमें ECR ECNR दोनों चलेगा, 8 घंटे का ड्यूटी है प्लस डेली ओवर टाइम है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, और फ्रेशर के लिए है बेसिक सैलरी है, अदर अलाउंस है, फूड है, OT है, ठीक है। और जो भी मोसासा में जाता है भाई, उसका सैलरी ज़्यादा रहता है, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उसका सैलरी कम रहता है, इस सब कोई जानता है, बताने की कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फ्रेशर चाहिए, जो लोग भी हैं फ्रेशर भाई, अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आइए, ठीक है। और ज़्यादा लेट मत कीजिएगा, जो लोग भी होंगे एग्री, और थोड़ा सा वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिए भाई, ओके। अब यहीं पे वीडियो समाप्त किया जा रहा है, थोड़ा सा आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिए, ओके।